हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिंदी क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 6 देखा था, कविता इस वंदना। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7, दशहरे का मेला। यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दशहरे का मेला। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आज दशहरा है, शहर के बड़े मैदान में मेला लगा है, कई दिनों से वहाँ रामलीला हो रही है, आज इसका आखिरी दिन है। कविता और विमल अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे हैं। विमल का एक मित्र है कमल। क्या बोल रहा है ये यहाँ पे? आज दशहरा है, वहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? आज दशहरे का दिन दिखाया हुआ है। वो बोल रहा है आज दशहरा है, शहर के बड़े मैदान में मेला लगा है। यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है कि शहर के बड़े मैदान में क्या लगा है? मेला लगा है। कई दिनों से वहाँ रामलीला हो रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत दिनों से रामलीला हो रही है, आज उसका आखिरी दिन है। उसका क्या है? आज आखिरी दिन है। कविता और विमल अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको चित्र में अभी देखेंगे दो बच्चे दिख रहे हैं, कविता और विमल, वो क्या है? अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे हैं। विमल का एक मित्र है, विमल का क्या है? एक मित्र भी है, उसका नाम क्या है? कमल। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे? रीना उसकी छोटी बहन है, वे भी उसके साथ मेला देखने जा रहे हैं। वे सब बहुत प्रसन्न हैं। लोग वे सब मेले में पहुंच गए हैं। मैदान के बीच में 3 बड़े बड़े पुतले खड़े हैं। मैदान में रावण का और उसके दोनों ओर कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं। रावण को हमने आसानी से पहचान लिया क्योंकि उसके 10 सिर हैं। यहाँ पे देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, रीना उसकी छोटी बहन है। रीना कौन है? वहाँ पे उसकी छोटी बहन है। वे भी उसके साथ मेला देखने जा रहे हैं। बोलो तो वो भी उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? कविता और विमल के साथ मेला देखने जा रहे हैं। वे बहुत प्रसन्न है, क्या है? वे सब लोग बहुत मेला देखने के लिए बहुत खुश है। लोग वे सब मेले में पहुंच गए, सब वहां पे कहां पहुंच गए? मेले में पहुंच गए। फिर वहां पे क्या लिखा हुआ है, मैदान के बीच 3 बड़े पुतले हैं। आपको यहाँ पे मैदान के बीच फिर देखो चित्र में दिखाई दे रहे हैं 3 बड़े पुतले। यहाँ पे 1, 2, 3 ये पुतले लगे हुए हैं। ये क्या बोल रहे हैं? मैदान में 3 बड़े पुतले खड़े हैं। क्या है उनके नाम? बीच में रावण का और उसके दोनों ओर कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं। बीच में क्या है? रावण का पुतला है और उसके दोनों तरफ क्या है? कुंभकर्ण है एक तरफ और एक तरफ मेघनाथ के पुतले हैं। रावण को हमने आसानी से पहचान लिया क्योंकि उसके 10 सिर है। रावण के क्या है? 10 सिर है, इसलिए उसको हमने आसानी से पहचान लिया। हमें पता है रावण के कितने सर होते हैं? 10। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेले में बहुत भीड़ है, वहाँ बहुत सी दुकानें लगी हैं, कुछ बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं तो कुछ धनुष बाण। वहाँ पे मेले में क्या है? बहुत भीड़ है, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं, तो कुछ बच्चे वहाँ पे क्या खरीद रहे हैं? कुछ खिलौने खरीद रहे हैं और कुछ धनुष बाण खरीद रहे हैं। थोड़ी ही देर में राम रावण की सेना में लड़ाई होने लगी। थोड़ी ही देर में क्या होने लगी? वहाँ पे राम और रावण की जो सेना है उसमें लड़ाई होने लगी। राम ने धनुष पर तीर चलाया और रावण के पुतले पर चलाया। राम ने थोड़ी देर बाद क्या करा? राम ने धनुष पर तीर चढ़ाया और रावण के पुतले पर चलाया। उसके बाद नीचे यहाँ पे क्या है, राम के तीर से पुतले में आग लग गई। राम ने जो तीर चलाया उससे क्या हो गया? रावण के पुतले में आग लग गई। पुतलों में पटाखे भरे थे, आग लगने से पटाखे जोर जोर से फूटने लगे। थोड़ी ही देर में तीनों पुतले जलकर राख हो गए। हम सब खुशी खुशी घर लौट आए। क्या हुआ? राम ने जब तीर चलाया तो पुतलों में आग लग गई। पुतलों में आग क्यों लग गई? क्योंकि उसके अंदर क्या भरे थे? पटाखे भरे थे। तो उसने तीर चलाया तो सारे पटाखे फूट गए, वहां पे उसमें आग लग गई और सारे पुतले जलने लगे। आग जलने से पटाखे जोर जोर से फूटने लगे। थोड़ी ही देर में तीनों पुतले जलकर राख हो गए। थोड़ी ही देर में क्या हुआ? तीनों पुतले जलकर राख हो गए। हम सब खुशी खुशी घर लौट आए। फिर वो सब बच्चे उन्होंने क्या करा? घर खुशी खुशी लौट आए। ठीक है, इसके बाद में आपको पीडीएफ समझाती हूँ। ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया?
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो लेसन नंबर 51 दशहरे का मेला की यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ समझाती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है शब्द अर्थ क्या है। अर्थ मीन्स मीनिंग। उसके फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आखिरी, इसका क्या है अर्थ क्या होता है। आखिरी मीन्स अंतिम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं लास्ट। फिर सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है वीर, वीर मीन्स क्या होता है बहादुर, बहादुर मीन्स ब्रेव। थर्ड लिखा हुआ है लड़ाई, लड़ाई मीन्स क्या होता है युद्ध, युद्ध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में वॉर। फिर फोर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है प्रसन्न, उसको क्या बोलते हैं खुश मीन्स हैप्पी। लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पुत्र, पुत्र मीन्स क्या होता है बेटा, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सन भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क, शहर के बड़े मैदान में किस दिन मेला लगा था। हमने चैप्टर देखा था दशहरे का मेला पढ़ा, उसमें क्या है शहर के बड़े मैदान में किस दिन मेला लगा था। तो यहाँ पे आपको जवाब में क्या लिखना है, शहर के बड़े मैदान में दशहरे के दिन मेला लगा था। किस दिन मेला लगा था, दशहरे के दिन। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दशहरे के दिन मेला लगा था। फिर ख, यहाँ पे सेकंड दिया है मैदान में खड़े पुतलों के नाम लिखो। वहां पे हमें क्या करना है, मैदान में जो पुतले खड़े थे उनके नाम लिखने। तो जवाब में हमें क्या लिखना है, फर्स्ट क्या है किस किस के पुतले थे, कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण। किस किस के पुतले थे, कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण। फिर ग लिखा हुआ है यहाँ पे रावण के पुतले को किसने तीर मारा था, रावण के पुतले को किसने तीर मारा था राम ने। तो यहाँ पे आपको जवाब में क्या लिखना है, रावण के पुतले को राम ने तीर मारा था। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है रावण के पुतले को राम ने तीर मारा था। फिर यहाँ पे फोर्थ लिखा हुआ है घ, बच्चों ने रावण के पुतले को आसानी से कैसे पहचान लिया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बच्चों ने रावण के पुतले को आसानी से कैसे पहचान लिया, क्योंकि उसके क्या थे, क्योंकि उसके 10 सिर होते हैं, इसलिए उसको बच्चों ने आसानी से पहचान लिया था। तो हमें जवाब में क्या लिखना है, क्योंकि उसके 10 सिर होते हैं इसलिए रावण को बच्चों ने आसानी से पहचान लिया। फिर यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 वाला, मैदान में कितने पुतले थे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जवाब में मैदान में 3 पुतले थे, हमने चैप्टर में देखा था वहां पे कितने पुतले थे 3। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मैदान में कितने पुतले थे, मैदान में 3 पुतले थे। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए। क्या है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, जो सही है हमें उसपे क्या करना है, राइट टिक करना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क, रावण के कितने सिर थे, तो रावण के कितने सिर थे, फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ 8, 9 या 10, रावण के कितने सिर थे 10। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 10 पर राइट टिक करना है। फिर उसके बाद सेकंड लिखा हुआ है ख, दशरथ के कितने पुत्र थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आपको 3, 4 या 5, तो दशरथ के कितने पुत्र थे 4, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 पर राइट टिक करना है। फिर गर्ल यहाँ पे लिखा हुआ है राम की माता का नाम क्या था, राम की माता का क्या नाम था, फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, क्या नाम था कौशल्या, तो हमें क्या करना है, कौशल्या पर टिक राइट टिक करना है। फिर प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए, क्या करना है, राइट द एंटोनियम, मतलब विपरीत अर्थ वाले विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं, राइट द एंटोनियम सबको यहाँ पे लिखने हैं। क यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हंसना, हंसना का अपोजिट क्या होता है, विपरीत रोना। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है दिन, दिन का अपोजिट क्या होता है रात। फिर ग यहाँ पे लिखा हुआ है सुगंध, सुगंध का विपरीत शब्द क्या होगा बदबू। लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है घ, गुणगान, गुणगान का अपोजिट क्या होगा निंदा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है दो दो नए शब्द बनाइए, राइट टू न्यू वर्ड्स, हमें यहाँ पे क्या करना है, दो दो नए शब्द बनाने। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है क में क्या है 6, तो हमें इससे क्या करना है, दो नए शब्द बनाने। आपकी बुक में जैसे ये फर्स्ट बना हुआ दिया हुआ है क्षितिज, तो आपको उसके हिसाब से दो नए शब्द और बनाने। तो यहाँ पे क्या बनाया, क्षमा, और फिर ये क्या है सक्षम। फिर यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है श्रम, जैसे श्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको दो उसके नए शब्द और बनाने। तो ये फर्स्ट हो गया श्रेय और ये हो गया श्रेय, ठीक है।
फिर ग ग में क्या है त्र, त्र में से पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको उसके भी दो शब्द बनाने हैं। तो ये फर्स्ट हो गया नेत्र और दूसरा हो गया पुत्र, ठीक है। ये जो अंडरलाइन करें ये दो शब्द आपको बनाने हैं। फिर लास्ट आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6, वचन बदलिए, कन्वर्ट इंटू नंबर, ठीक है। हमें क्या करना है, वचन बदलने हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क मिठाई, मिठाई का वचन में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ। फिर यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है बच्चा, बच्चा का हम का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे। पुतला, पुतला का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पुतले। खिलौना तो क्या हो जाएगा, खिलौने, ठीक है। मिठाई का मिठाइयाँ, बच्चा का बच्चे, पुतला का पुतले और खिलौना का खिलौना। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये पीडीएफ क्या करना है, नोटबुक में कॉपी डाउन करनी है। ओके, थैंक यू।